पुण्यतिथि पर याद किए गए राजू बाबू, गोली मारकर की गई थी हत्या, शेखपुरा, शेखपुरा जिले के सृजनहार कहे जाने वाले बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद और कई बार विधायक रहे राजू बाबू को उनके 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किया गया। समारोह का आयोजन जिला मुख्यालय के आज़ाद हिंद आश्रम में किया गया। इस अवसर पर बरबीघा से जदयू के विधायक और उनके पौत्र सुदर्शन कुमार, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और उनके पौत्र सत्यजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में उनके समर्थक उपस्थित हुए। श्रद्धांजलि समारोह में आश्रम में मौजूद प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि की गई। जिस स्थान पर उनको गोली मारकर हत्या हुई थी वहां पर रखे गए तस्वीर पर भी समर्थकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। बता दें कि 9 सितंबर 2005 को अपराधियों ने शाम में आज़ाद हिंद आश्रम में प्रवेश कर गोली मारकर पूर्व सांसद की हत्या करती थी। आज स्वर्गीय राजू बाबू की 19वीं पुण्यतिथि है, उसी के शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठे होके की प्रतिमा को श्रद्धासुमन अर्पित किए हैं और उनके जितने भी चाहने वाले लोग थे, उनके साथ रहने वाले लोग थे, आज यहाँ इकट्ठा हैं सब लोग। हम लोग हर साल इसी तरह बड़े धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं और वो हमारे दिल में हमेशा हैं। वो जहाँ रहें उनके आशीर्वाद, उनका प्यार हम पे हमेशा बरकरार रहे। शेखपुरा वासियों पर जिला में योगदान, जिला बनाने का योगदान उनका रहा। बिल्कुल, जिला बनाने में उनका ही योगदान है और जल्द ही जिले में जो उनकी मूर्ति बनी है उसका भी उद्घाटन होने जा रहा है। आज 9 सितंबर है, राजू बाबू का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, 19वां पुण्यतिथि, जो कि आप जैसा देख सकते हैं शेखपुरा के सभी गांव से, सभी इस जिला से, बरबीघा से भी लोग आए हुए हैं। जितने श्रद्धालु थे आए हुए हैं, सब ने माल्यार्पण किया और उनके विकास के बारे में आप हमसे पहले सब लोगों से पूछे हैं जो कि उनके साथ रह चुके हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। उन्होंने बताया कि उनके कर्मठता के बारे में, उन्होंने जो काम किया उसके बारे में। सो अब हम लोग जितने भी लोग आए हैं, बस हम लोग यही सोच रहे हैं, यही प्रतिज्ञा लिए हैं कि जिस तरह से उन्होंने काम किया है, जिस तरह से समाज के बीच में रह के समाज की सेवा की है, उसी तरह से हम लोग भी करें और तत्पर रहें हमेशा करने के। उनके अधूरे काम को पूरा करेंगे अगर जिम्मेदारी मिलेगी विधायक का। बिल्कुल बिल्कुल पूरा करेंगे और जहाँ तक आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोग के परिवार आज तक हमेशा लोगों के बीच में रहें, लोगों के दुख सुख में साथ रहें, हमेशा खड़ा उतरे हैं और इस ज़िला के लिए हमारे पूर्वज ने, हमारे परिवार ने बहुत कुछ किया है। अगर मौका मिलेगा तो हम भी करेंगे। जिले के लोग आज उनका कमी महसूस कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल कमी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो बस अभी विकास वहीं तक रुका हुआ है, वो आगे बढ़ने का वो काम अभी तक नहीं हुआ है। यह जिले के लिए नहीं, राज्य के लिए मिलकर पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि हम लोग उनका पुण्यतिथि मना रहे हैं। जिस तरह से 1972 से उन्होंने अपने जीवन में 72 में जो विधानसभा का चुनाव जीते थे बरबीघा विधानसभा से, उससे लगातार वे हर स्तर पर आगे बढ़ते गए और यहाँ तक हुआ कि लोकसभा का चुनाव जीतकर बेगूसराय से और शेखपुरा का नाम ऊपर किया, जो आज किसी से वह होने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि नया पीढ़ी जो भी हैं या उनके जो सुदर्शन जी हैं उनके पद चिन्ह पर चलें और उनके नाम को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जय राम सिंह, मैं हूँ मुखिया।